हां जी दोस्तों, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है तुर्की को लेकर, और एक हफ्ते के अंदर ही तुर्की को लेने के देने पड़ गए हैं। दरअसल आप सभी को बता दूं कि तुर्की ना तो भारत का दोस्त है ना ही दुश्मन, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि तुर्की भारत के साथ अपने संबंध अच्छे कर रहा है तो कभी पाकिस्तान का समर्थन करके भारत के खिलाफ तुर्की चला जाता है। अब हाल ही में तुर्की को अमेरिका का F-35 फाइटर जेट चाहिए था तो अमेरिका ने इस फाइटर जेट को देने से मना कर दिया। इसके बाद तुर्की काफी नाराज हो गया और तुर्की के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने एक हफ्ते पहले कहा कि अगर अमेरिका हमें अपना F-35 फाइटर जेट नहीं दे रहा है तो हम जर्मनी से उसका यूरो फाइटर टाइफून खरीदेंगे। और तुर्की का ऐसा प्लान था कि वो 20 की संख्या में यूरो फाइटर टाइफून को अपनी वायु सेना के लिए खरीदेगा। परंतु यहाँ पर भी तुर्की को एक बहुत ही बड़ा झटका दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो जिसमें कि जर्मनी ने यूरो फाइटर टाइफून को देने से तुर्की को साफ इनकार कर दिया है। वैसे तुर्की को ये उम्मीद थी कि ब्रिटेन और इटली तुर्की को यूरो फाइटर टाइफून खरीदने की तरफदारी कर रहे हैं, तो तुर्की को ऐसा लगा कि जर्मनी उन्हें अपना फाइटर टाइफून दे देगा। परंतु जर्मनी ने तुर्की को यह साफ इनकार करते हुए कहा है कि हम तुर्की को अपना फाइटर जेट नहीं दे सकते। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने धौंस दिखाते हुए कहा है कि हमें यूरो फाइटर टाइफून मिले या ना मिले, यूरो फाइटर टाइफून ना मिलने पर जर्मनी ये ना समझे कि हमारे लिए दूसरे देशों के दरवाजे बंद हो गए हैं। यानी तुर्की यहाँ पर जर्मनी को भी धौंस दिखाते हुए कह रहा है कि यूरो फाइटर टाइफून देना हो तो दो, नहीं देना है तो हम दूसरे देश से भी फाइटर जेट ले सकते हैं। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है और जर्मनी जो तुर्की के साथ कर रहा है वो क्या सही है या गलत, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।